दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के नेक्स्ट सेल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो Redmi Note 7 Pro के लास्ट सेल आई थी यहाँ पर 24 अप्रैल को, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था कि मैं खुद आपको मोबाइल बुक करके दूंगा और इसी प्रकार से मैं बुक करके देने वाला हूँ आपको अगली सेल में। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को अभी तक Redmi Note 7 Pro नहीं मिल रहा है तो उन्हें आराम से मिल जाए। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि मैं आपको किस प्रकार से बुक करके दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके पास दोस्तों Redmi Note 7 Pro बाय करने के पैसे नहीं है तो दोस्तों मैं आपके लिए एक वेबसाइट बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पावर्ड बाय 11bracket.com। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस प्रकार गेम खेल सकते हैं, जैसे दोस्तों आज मैच आने वाला है कोलकाता और राजस्थान का। एंट्री फीस के तौर पर यहाँ पर आप कोई सब ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर एक फ्री वाला भी चल रहा है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 3000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर जो भी आपकी टीम है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको 100 पॉइंट मिलते हैं और 11 प्लेयर आपने उन 100 पॉइंट में कलेक्ट करने होते हैं। जैसा कि मैं दिनेश कार से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ पर ऑलराउंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो सेलेक्ट करना है उसके बाद में बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं और बॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद में तो दोस्तों आप इसमें खेल सकते हैं अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से। तो अगर आप जीतते हैं तो आपको यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं बहुत सारे, जिससे कि आप आराम से Redmi Note 7 Pro बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी रेफरल लिंक से जाएंगे तो आपको 100 रुपये का बोनस मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी ज्वाइन कर लेना है, तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के नेक्स्ट सेल के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पास वाले नोट में बेल का आइकन आएगा तो आपने उस पर भी क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। चलिए दोस्तों बात करते हैं Redmi Note 7 Pro की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, Redmi Note 7 Pro की जो लास्ट सेल आई थी यहाँ पर 24 अप्रैल को, तो उसमें बहुत सारी परेशानी देखने मिली थी। लेकिन जो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं YouTube के, तो उनमें से कम मुझे 10-15 कमेंट ऐसे देखने मिले तो जिन्होंने कहा कि भैया हमने तो आपकी ट्रिक से बुक कर लिया है और आराम से कोई परेशानी नहीं पड़ी है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को कहा था कि भैया मैं भी आपके लिए बुक करके दूंगा Redmi Note 7 Pro, तो भैया मेरे पास तो कमेंट बहुत सारे आ गए, 200-300 कमेंट आ गए थे, तो बताइए अब मैं कहाँ से बुक कर देता। लेकिन मैंने यहाँ पर दो जो यूजर्स के मैंने आईडी पासवर्ड दिए, तो उनका मैंने जो डिवाइस है ना वो कार्ट में पहुँचा दिया था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर COD जाने कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं था। तो इस कारण मैंने उन्हें बता दिया भैया आप पेमेंट खुद कर लीजिएगा, मैं आपके जो मोबाइल है ना वो आपके कार्ट में पहुँचा दूंगा। तो दोस्तों अगर आप भी बुक करवाना चाहते हैं मेरे से तो दोस्तों आप बुक करवा सकते हैं, क्योंकि केवल मेरे पास दो ही मोबाइल है, तो भैया मैं दो ही के बुक कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा के नहीं बुक कर सकता हूँ। तो मेरे पास कमेंट बहुत सारे आ जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि भैया मैं बुक तो कर दूंगा, तो भैया आप पेमेंट कैसे करोगे? भैया आपके पास भी आईडी पासवर्ड होगा तो आप उससे अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आपने अपने मोबाइल में भी ओपन करके रखनी है फ्लिपकार्ट की ऐप, और मैं भी ओपन करूंगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपके कार्ट में पहुँचा दूंगा, तो उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके एरिया में COD कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है और आपसे तब भी मोबाइल नहीं आ रहा है, दोस्तों मुझे बताइएगा, मैं आपको COD पर ला कर दूंगा और डायरेक्ट आप अपना एड्रेस वेड्रेस फिल करके दे दीजिए मुझे अपना आईडी पासवर्ड, तो मैं उसमें आपको COD पर दे दूंगा, अगर आपके एरिया में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है तो। अगर दोस्तों अवेलेबल नहीं होती है तो आप एक काम करिएगा दोस्तों, गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हैं। अगर आप गिफ्ट कार्ड बाय कर लेंगे पहले ही तो भैया मुझे परेशानी नहीं पड़ेगी, तो मैं गिफ्ट कार्ड से हैंड टू हैंड पेमेंट कर दूंगा और गिफ्ट कार्ड से आराम से बुक हो जाता है, और जिससे कि बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट वगैरह भी डालने की परेशानी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप गिफ्ट कार्ड बाय कर सकते हैं तो आप गिफ्ट कार्ड बाय करके मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, केवल दो ही बंदे भाई, उसके लिए मैं बता दूंगा कि आपने कैसे देने हैं। तो अगर मुझे पहले आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपने गिफ्ट कार्ड बाय किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। अगर गिफ्ट कार्ड बाय किए हुए हैं तो भैया मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे देना और अपना एड्रेस वेड्रेस सब डाल देना, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपके कार्ड बचा दूंगा और जो आपका बुक कर दूंगा ऑर्डर, उसके बाद में आप अपना जो आईडी पासवर्ड है ना वो चेंज कर सकते हैं अपने कार्ड का, अगर तो आप आराम चेंज कर सकते हैं। और अगर आप गिफ्ट कार्ड बाय कर लेंगे तो मैं आपको 100% Redmi Note 7 Pro आपके कार्ट में ला कर दूंगा, और बुक भी हो जाएगा और आपके घर पे भी पहुंच जाएगा। तो ये बताना था मैंने आपको। और उसे जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेल में बताया था कि भैया जो 6GB रैम वाला ना, उसमें केवल नेपच्यून ब्लू कलर ही आने वाला है, तो भैया केवल वही कलर आया है, जो बाकी का रेड कलर था और ब्लैक कलर था ये दोनों ही नहीं आए थे। तो ये बात कंफर्म मैंने करी थी पहले कस्टमर केयर से बात कॉल करके, तो उन्होंने सही बताया था। तो इसी प्रकार से जो आने वाली सेल होगी ना, तो उससे एक दिन पहले मैं वीडियो ला कर दूंगा आप सभी को, और पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा मैं उस सेल के बारे में, कि कौन कौन से कलर वेरिएंट आने वाले हैं और कितना स्टॉक आएगा और क्या कुछ आएगा, और सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए अब बुक करके दूंगा हर एक सेल में दो मोबाइल दो लोगों को। लेकिन आपको मैंने शर्त बता चुका हूँ, भैया गिफ्ट कार्ड बाय कर लीजिएगा, मैं तभी उनका जो आईडी पासवर्ड लूँगा, नहीं तो इससे पहले नहीं लूँगा। और कैसे लेने आईडी
पासवर्ड तो मैं टेलीग्राम वेलीग्राम पर ले लूँगा या व्हाट्सएप पर ले लूँगा तो मैं आपके बाद में बता दूँगा, लेकिन पहले आप मुझे कमेंट बताइएगा कि भैया आपके पास जो गिफ्ट कार्ड है या नहीं है। और दोस्तों अगर बात की यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के नेक्स्ट सेल की, दोस्तों जो Redmi Note 7 Pro के नेक्स्ट सेल आने वाली है वो आएगी 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे, तो आप तैयार रहिएगा। उससे पहले मैं आपके लिए दो वीडियो लेकर आऊँगा अलग अलग प्रकार के। तो दोस्तों फिलहाल तो आज की वीडियो में ये थी पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन Redmi Note 7 Pro के नेक्स्ट सेल के बारे में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।